28 मई यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। जब नए संसद भवन की पहली झलक सामने आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी वीडियो साझा कर ये अपील की थी कि लोग उसके ऊपर अपना वॉइस ओवर करें और उस वीडियो को शेयर करें। इसके साथ प्रधानमंत्री ने माय पार्लियामेंट माय प्राइड हैशटैग यूज करने के लिए भी कहा था। अब इसी वीडियो को शेयर करते हुए शाहरुख खान, अक्षय कुमार, मनोज मुंतशिर और कई बड़ी हस्तियों ने अपने वॉइस ओवर के साथ इस वीडियो को साझा किया है। चलिए आपको एक एक कर वो वीडियो दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। आज माय पार्लियामेंट माय प्राइड हैशटैग के साथ शाहरुख खान ने एक ट्वीट किया और वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने अपना वॉइस ओवर भी किया है। शाहरुख खान ने वीडियो पर वॉइस ओवर करते हुए इसे ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया। पीएम मोदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। शाहरुख खान ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे संविधान को बनाए रखने वाले और इस महान राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करने वाले और उसके हर व्यक्ति की विविधता की रक्षा करने वाले लोगों के लिए कितना शानदार है नया संसद भवन। नए भारत के लिए एक नया संसद भवन, लेकिन भारत के गौरव के सदियों पुराने सपने के साथ। जय हिंद, माय पार्लियामेंट माय प्राइड। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, सुंदर अभिव्यक्ति, नया संसद भवन लोकतांत्रिक शक्ति और प्रगति का प्रतीक है। ये परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ रहा है। माय पार्लियामेंट माय प्राइड। अक्षय कुमार, अनुपम खेर और मनोज मुंतशिर ने भी वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के पीछे उन्होंने अपना वॉइस ओवर भी एड किया है। गौरतलब है कि संसद भवन का उद्घाटन समारोह आज हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और विधि विधान के साथ उद्घाटन समारोह की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह नए संसद भवन का उद्घाटन किया। पारंपरिक परिधान में प्रधानमंत्री मोदी द्वार संख्या 1 से संसद परिसर के अंदर आए और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। पीएम ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गणपति होम का अनुष्ठान किया। इसके बाद पीएम ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया और हाथ में पवित्र राजदंड लेकर तमिलनाडु के अलग अलग अधिनमों के पुजारियों का आशीर्वाद लिया। बता दें कि सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित भी किया गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें।